विष्णुज आ गए हैं हमारे विष्णुजी। विष्णु जी की रसोई में आप सभी का स्वागत। हम पालक पनीर खाते हैं। खड़ा पालक पनीर कभी खाया ना? देखिए, सरल, स्वस्थ, सुंदर और टिकाऊ खड़ा पालक पनीर। सबसे पहले पालक जो है, फ्रेश पालक हम बारीक काट लेंगे। उसके लिए पालक इकट्ठा कर, पहले ये टुकड़े टुकड़े, फिर जितना हो सके करीब लाकर पनीर भी हमें जो काटना है ऐसे छोटे टुकड़ों में। ये पनीर हुआ। अब हम काटेंगे प्याज। अब प्याज बारीक कैसे काटना है देखना है। देख लो, पहले तो प्याज मैंने छील लिया। छीलने के बाद ये प्याज जो है ऐसे ही हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे, और पूरा आखिरी तक नहीं काटेंगे। फिर ये दूसरी बाजू, फिर ऐसे, ये सब मैंने कहाँ सीखा पता है? मैं छोटा था जब कैटरिंग का काम शुरू किया। उम्र थी 13-14 साल, और उस समय सीखना तो दूर, तो हम क्या करते थे कि कई खोमचे वाला है, कोई समोसे वाला है, कोई भेल पानी पूड़ी वाला है, उसके पास खड़े रहते थे। आधी आधी प्लेट भेल दो बार खा देते थे, जो ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ बिता पाऊँ और वो कैसे काम करता है वो सीख पाऊँ। उसी से चलता गया। पैन में सबसे पहले तेल, जीरा, लहसुन बारीक कटा हुआ, बारीक कटी प्याज, और प्याज लहसुन के साथ साथ थोड़ा सा इसे चलाने के बाद हम डालेंगे स्वादानुसार हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक। अब डालेंगे हम पनीर, क्योंकि पनीर को भी थोड़ा सा हम प्याज के साथ सेकेंगे। अब देखिए, सब्जियां तो बनते रहती है, कई सब्जियां ऐसे होती परंपरा से चलती आती है, मम्मी बताती है, दादी बताती है, पर हमारा भी फर्ज है कि हम भी कुछ नया बनाएं और नया लोगों के सामने पेश करें। और आज का हमारा जो नया प्रयोग है, नई रेसिपी है, ये कल की परंपरा होगी। तो इतना बात ध्यान में रखिए, कुछ ना कुछ सोचते जाओ, अलग अलग बनाते जाओ। ऐसा ये प्रयोग मैंने किया है। ये बारीक कद्दूकस किया अदरक, और ये पालक, हरी धनिया, नींबू का रस, तो ये था अपना खड़ा पालक पनीर। कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको खड़ा पालक पनीर कैसे लगा, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। विष्णु जी की रसोई।